तो हम बात कर रहे हैं पेस्ट स्पेसिस प्रॉपर्टीज। जैसे इस एरिया को आपने कॉपी कर लिया, कॉपी करके जब यहाँ पे आप पेस्ट करते हैं, ठीक है ना, तो जनरली जी सर, पेस्ट में एक आपके सामने हमने पेस्ट लिंक तक आपको बताया था लास्ट क्लास में। जी सर, अब बात यह पेस्ट एज ए पिक्चर, पेस्ट से पिक्चर क्या करती है, इसको ऑब्जेक्ट में ग्राफिक्स में कन्वर्ट कर देती है, यानी कि इमेज में कन्वर्ट कर देती है। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? अब मान लीजिए कि मुझे इस डेटा को छोटे से एरिया में यहाँ दिखाना है, तो अगर मैं इसको छोटा करूंगा तो पूरा कॉलम छोटा होगा ना, हो सकता है जी सर, बड़ा डेटा हो, तो उस केस में हम इसको पिक्चर में कन्वर्ट करके फिर इसको आराम से छोटा कर लेते हैं और जहां एडजस्ट करना चाहते हैं वहां एडजस्ट कर सकते हैं क्या? जी सर, जी सर, डैशबोर्ड वगैरह भी इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, पहली चीज। दूसरी, जी सर, ये आपको दिख रहा है पेस्ट एज ए पिक्चर किया, तो जब इसमें कुछ चेंज करेंगे तो अपडेट नहीं होगा, क्योंकि ये आपस में लिंक नहीं, हम चाहते पिक्चर भी हो और लिंक भी हो जाए, तो उस केस में हम यहाँ पे पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक करते हैं। क्या करते हैं? पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक, पेस्ट पिक्चर लिंक करते हैं, तो आप देखिए आपके सामने एक लिंक हो गया। और यहाँ जैसे मैं यहाँ पे कोई चेंज करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे कलर चेंज किया तो देखिए कलर चेंज हो गया, या कोई वैल्यू चेंज किया तो वैल्यू चेंज हो जाता है, और इसको अपने हिसाब से पिक्चर की तरह आप जो करना चाहें कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि मे बी इंक्रीज हुआ डेटा, जैसे मान लीजिए एक डेटा और यहाँ पुनीत का डेटा ऐड हो गया, तो यह पुनीत के लिए क्या फिर से कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा? जी नहीं। देखिए जब भी कोई ऑब्जेक्ट सेल के साथ लिंक होता है तो एक फॉर्मूले के साथ लिंक होता है। तो ऊपर आप देखिए फॉर्मूला बार में आपको यहाँ पे फॉर्मूला दिख रहा होगा, दिख रहा है A1 से E1। जी सर, तो हम यहाँ 8 को 9 कर देते हैं, 9 कर दिए, यहाँ पे आ गया। जी सर, आ गया ना सर? जी सर, अब हमने एक्सेल हमने एक ही सीट पे किया, इसी चीज को आप एक सीट से दूसरे शीट या एक फाइल से दूसरे फाइल पे कर सकते हो। यही नहीं, इसको अदर एप्लीकेशन जैसे कि MS Word, पावर पॉइंट, आउटलुक जैसे चीजों पे कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो जैसे हमने यहाँ पे वर्ड को खोला, MS Word को खोला, और मैं इस पे इसको नॉर्मली पेस्ट ना करके पेस्ट स्पेशल, और पेस्ट स्पेशल में यहाँ आपको दिख रहा होगा पेस्ट लिंक, पेस्ट लिंक पे क्लिक करके ओके कर दिया। अब देखिए ये आपस में लिंक हो गया, हो गया जी सर। इस तरह से हम आपस में लिंक कर देते हैं। अब हम इस पे एक्सेल पे किसी भी चीज को चेंज करेंगे तो आप देखिए यहाँ भी चेंज हो जाएगा। सेम हम पावर पॉइंट में भी करते हैं, क्या होता है पावर पॉइंट में कई बार कई समरी होती है जो कि हमें बार बार अपडेट करनी होती है, तो हम लिंक का यूज करते हैं। जैसे अब मैं पहले कॉपी करना होगा, कॉपी करेंगे तभी होगा, हमने इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे पेस्ट स्पेशल और यहाँ पे पेस्ट एज ए लिंक और हमने ओके कर दिया, राइट? राइट सर। अब क्वेश्चन आता है कि हमने आउटलुक का भी जिक्र किया था, तो क्या आउटलुक में ऐसा होगा कि मैं आप लिंक करके आपको मेल कर दूंगा, मैं यहाँ चेंज किया तो आपके यहाँ भी चेंज हो जाएगा? जी ऐसा नहीं, क्योंकि हमारा सिस्टम आपके सिस्टम से लिंक थोड़ी है जैसा होगा। एग्जैक्टली सर। तो क्या आपसे भी बेनिफिट क्या है आउटलुक का? देखिए इसके लिए आपको एक छोटा सा स्टोरी सुनना होगा। आप बोलेंगे सर आज स्टोरी ही कर रहे हैं, कोई बात नहीं, अच्छी स्टोरी है। सर स्टोरी ये है कि मैं जब एक सेल्स टीम में काम करता था, तो मुझे वहां पे जब मंथ एंड आती थी तो हमें हर घंटे पे एक सेल्स अपडेट देना पड़ता था। जैसे कि मान सेल्स अपडेट हुआ कि सेल्स वाले तो बंदे फील्ड में होते थे, ड्यूलक्स पेंट था, अब उस समय
उतना मोबाइल और सब चीज का जमाना उतना नहीं था कि मोबाइल पे भी माने कि सब कुछ मिल जाता था। सॉरी मोबाइल पे, सॉरी ये सॉफ्टवेयर बोला, मोबाइल पे नहीं जाता था, माने कि इन सॉफ्टवेयर सैप चलता था, सिस्टम चलता, मैं वेब कंसोल नहीं था सर, एपीआई वगैरह नहीं था। तो हमें हमें मेल करना होता था, तो मेल पे वो लोग मोबाइल पे देखते थे। इसलिए मेल करना होता था कि मान लीजिए कि सुबह 10 बजे उन्होंने किसी से ऑर्डर दिलवाया, हाँ इसका ऑर्डर देखो। अब जी उसने सर, ऑर्डर किया कि नहीं किया कैसे पता चलेगा? सही बात है सर। सेल्स अपडेट मांगते थे कि मेरा सेल्स अपडेट दे दो। तो क्या होता था कि फॉर्मेट सेम होता था, हमें बस उसका रिकॉर्ड चेंज करना होता था। जैसे कि यहाँ पे दे दिया, मेल आईडी डाल दी जिसको भेजना है, हमने यहाँ पे सब्जेक्ट डाल सेल्स अपडेट, ठीक है, और यहाँ पे डाल दिया डियर सर बिलो आर सेल्स अपडेट, ठीक है। अब यहां से डेटा हम कॉपी पेस्ट करते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट ना करके हम करते थे पेस्ट स्पेशल, पेस्ट एज ए लिंक, और इसको सेलेक्ट करके ओके करते। अब ये लिंक हो गई, अब मैंने इसको भी सेंड कर दिया ना, तो आपके पास मेल चल गई, तो मेरा सेंड आइटम में भी अपडेट नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि सेंड आइटम में अपडेट हो जाएगा, या आपको मेल किया था आपको इनबॉक्स में अपडेट हो जाएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। जी इसको सर, बेनिफिट करने के लिए हम इसका टेम्पलेट बनाते, हम करते थे सेव एज, और यहाँ नीचे हम टेम्पलेट कुछ लेते हैं, समझे, लोकेशन लेते थे और सेल्स अपडेट के नाम से इसको सेव कर, सेव हो गया। आप सेंड कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप डेस्कटॉप पे आप देखेंगे आपको आउटलुक टेम्पलेट आपको दिख जाएगा, ये हो गया, और भी है यहाँ पे क्या हो या सेल्स अपडेट, समझे। तो अब मैं क्या करूंगा, अब नेक्स्ट टाइम 1 घंटे बाद उसे मुझे वापस मेल करने हैं, तो आप 1 घंटे बाद क्या करेंगे, वापस सब चीज चेंज करेंगे ना, मेल कंपोज करेंगे, या मेल कंपोज पहले वाले मेल को फॉरवर्ड करेंगे या रिप्लाई करेंगे, ही करेंगे ना, डेटा नया से डालेंगे। तो हमें कुछ नहीं करना होता था, हम बस क्या किए कि इसको डेटा चेंज कर दिए, राइट। और मुझे अब जो है इस टेम्पलेट को जस्ट ओपन करना है और यस करना है। आप देख रहे हैं पूरा मेल रेडी टू सेंड है, डेटा भी चेंज हो गया, येलो था ग्रीन हो गया ना सर। जी सर, अब मैं जस्ट इसको सेंड करूंगा चला जाएगा, एक बेनिफिट जी हो गई। सर, जी सर, इस तरह की बेनिफिट आप ले सकते हैं पेस्ट ऐसे लिंक, समझ गए, क्लियर जी सर, जी सर, है कोई डाउट इसमें सर। नो सर। अब बात करते हैं क्लिपबोर्ड के बारे में, एक और नई चीज जो आपके लिए ऑफिस के लिए अच्छा है वो बता रहे हैं। इसके बाद आपको मैं देंगे एक रिकॉर्डिंग देखने के लिए। जी मान लीजिए कि मेरे पास एक डेटा है, दिख रहा है डेटा, अब मैं इस डेटा को 5 अलग अलग सीट पे या 10 अलग अलग सीट पे कॉपी पेस्ट करूं। सर, अब मान लीजिए कि मुझे इस डेटा को कॉपी पेस्ट तो कर लिया, मुझे इसको वापस एक सीट में क्लियर कर, अभी तो कॉपी पेस्ट कर लिया, लेकिन मान लीजिए आपको इस तरह से 5 अलग अलग सीट पे डेटा आया हुआ है। अब एक सर, डेटा सीट में पांचों सीट के डेटा को एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे कंबाइन करना, जी सर, हर इसके लिए VBA बहुत सारे टूल्स है, जनरली आप करोगे क्या, जाओगे कॉपी करोगे डेटा में, आओगे पेस्ट करोगे, ठीक है, जी सर, फिर कॉपी करोगे, फिर डेटा में आओगे नीचे जाओगे पेस्ट करोगे। जी सर, एक तरीका है जिससे मैं आपका 50% काम सॉल्व कर सकता हूं। आप यहां जो क्लिपबोर्ड दिख रहा है ना, इसको जी सर, ऑन कर दो, ठीक है, तो आप जस्ट कॉपी करते चले, सिलेक्ट किए कॉपी, ये हमेशा स्टोर होते जाएगा, ठीक जी सर, है। इसमें एक और फायदा है कि एक ही चीज को अगर कई बार कॉपी कर लिए ना, तो वो एक ही होगा, जैसे मैं 2 बार 3 बार कॉपी कर रहा हूँ ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा जी सर, है, यहाँ पे कॉपी किया, यहाँ पे कॉपी किया,
हमने एक दो तीन चार, एक दो तीन चार और शीट था जो कॉपी नहीं किया, शीट वन कॉपी नहीं किया, आ गया। जी सर अब जहां पेस्ट जी है सर वहां पे जाइए और इसको कर दीजिए पेस्ट ऑल, हो गया पेस्ट सर। जी सर इसका यूज सिर्फ एक्सेल पी नहीं, बहुत सारी जगहों पे कर हो सकता है। सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपको जो है पीडीएफ से कुछ डेटा लेके आना है, पीडीएफ में मान लीजिए कि छोटे छोटे टेबल्स है जो कि कई सारी जगहों पे है, तो आप क्या करते जी हैं पीडीएफ सर में जाते हैं कॉपी करते हैं, फिर यहाँ आते हैं फिर पेस्ट करते हैं, वापस पीडीएफ पे जाते हैं कॉपी करते हैं फिर पेस्ट करते हैं, तो टाइम जी कंज्यूम सर बस आप जी सर ठीक है। जी सर बाकी आपका फॉर्मेट पेंटर है कि सिलेक्ट करके इसको पेंट कर सकते हैं सिंपल सा, जी सर ये नॉर्मल है, बाकी तो इसमें कुछ है नहीं। तो क्लिप बोर्ड यहाँ पे हो गया था, लेकिन एक बहुत ही मजेदार चीज जो है वो बाकी क्या है। जी सर एक पिक्चर लुकअप, आप वीडियो को यूज करते हैं सर? हेलो 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 सर, म्यूट है आप?